नमस्कार, प्रणाम, आभार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल बिहाइंड द कैमरा विद आरजे कंगना। फराहनाज, शायद नाम सुना हो आपने, ना जानते हो तो आपको बता दूं, फराहनाज यानी तब्बू की सगी बड़ी बहन, बिंदु दारा सिंह की पूर्व पत्नी और शबाना आजमी की भतीजी, और इन सबसे बढ़कर बॉलीवुड की सबसे गुस्सैल गर्ल भी इन्हें ही कहा जाता है। इस हीरोइन का गुस्सा कहीं भी कभी भी और किसी का भी खेल बिगाड़ देता था। खौफ ऐसा कि इनके साथ काम करने में को एक्टर्स के पसीने छूट जाते थे। बेमिसाल खूबसूरती, बेजोड़ एक्टिंग और देवानंद साहब की चहेती होने के बावजूद क्या है इस अदाकारा के गुमनामी में डूब जाने की कहानी? आखिर कैसे बेशुमार हुस्न और हुनर के बावजूद किस्मत ने फराहनाज को शिकस्त दे दी? इस पेशकश में जानेंगे कि इस हसीना ने क्यों चंकी पांडे को भरे सेट पर जमकर पीटा और एक प्रोड्यूसर को भरी महफिल में क्यों सरेआम थप्पड़ जड़े। साथ ही जानेंगे कि शूटिंग से लौटकर वो डेली रात को किस बात के गम में वोदका पीती थी। फराहनाज का जन्म 9 दिसंबर 1968 को हैदराबाद में हुआ। इनके पिता का नाम जमाल हाशमी और मां का नाम रिजवाना है। इनके माँ बाप का उस वक्त तलाक हो गया जब फराह करीब 5-6 साल की रही होंगी। तलाक के बाद इनकी माँ ने अपने मायके में रहकर फराह और तब्बू की परवरिश की। इनकी माँ एक स्कूल में टीचर थी जहाँ उन्हें 200 रुपए महीने तनख्वाह मिलती थी। फराह जानी मानी अभिनेत्री शबाना आजमी के रिश्ते में भतीजी है। शबाना और फराह के परिवार के बीच काफी अच्छे रिश्ते थे, तो दोनों बहनें अक्सर छुट्टियों में शबाना के पास बंबई जाती थीं, जहां फिल्मी हस्तियों का आना जाना रहता था। फराह बेहद खूबसूरत थीं, इसलिए कई लोगों ने उन्हें फिल्मों में किस्मत आजमाने की सलाह दी। मुझे कुछ नहीं सुनना। तो फिर यहां क्या आई हो हमें डिस्टर्ब करने? इस बीच जब फराह की उम्र करीब 15-16 साल हुई, तब वो अपने एक परिचित की मदद से देवानंद साहब से मिली। देव साहब फराह की खूबसूरती से काफी इम्प्रेस हुए और उनकी माँ से कहा कि फराह को अपनी अगली फिल्म में हीरोइन के रूप में लॉन्च कर रहे हैं। इसी दौरान देवानंद के दोस्त यश चोपड़ा भी अपनी नई फिल्म फासले के लिए हीरोइन ढूंढ रहे थे, जिसमें वो गायक महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर को लॉन्च करने वाले थे। यश चोपड़ा को जब देवानंद की नई खोज का पता चला तो उन्होंने उनसे बात की और कहा कि वो फासले में फराह को लॉन्च करने दें। देवानंद ने मंजूरी दे दी तो यश चोपड़ा ने फराह को फासले फिल्म से लॉन्च किया। 1986 में रिलीज होने के बाद ये फिल्म कुछ खास नहीं चली, लेकिन फराह नाज की चर्चा हर तरफ थी। उनकी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस का कायल हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो चुका था। बड़े बड़े निर्देशक उन्हें साइन करना चाहते थे। इसके बाद तो फराहनाज को जो नाम, शोहरत और दौलत नसीब हुई वो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। एक के बाद एक फराह कई हिट फिल्मों का हिस्सा रही। इसमें मरते दम तक, नसीब अपना अपना, लव 86, ईमानदार, घर घर की कहानी, दिल जला, रखवाला जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके साथ ही फराह हमारा खानदान, वो फिर आएगी, वीरू दादा, बाप एक नंबरी, बेटा 10 नंबरी, बेगुनाह और मुकाबला जैसी हिट फिल्मों का भी हिस्सा थी। जेपी दत्ता की फिल्म यतीम में भी उनकी एक्टिंग की तारीफ हुई। 1990 के दशक में उन्होंने आमिर खान के साथ दो फिल्मों जवानी जिंदाबाद और इसी का नाम जिंदगी में काम किया, लेकिन दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। थोड़ी कामयाबी, दौलत और शोहरत ने फराहनाज का मिजाज और मूड भी बदला। अब वो पहले वाली सीधी सादी फराह नहीं, बल्कि उस दौर की हिंदी सिनेमा की सबसे गुस्सैल गर्ल बन चुकी थी। इतना ही नहीं, कई मौकों पर तो इन्होंने कई जाने माने लोगों की पिटाई तक कर दी। पहला किस्सा चंकी पांडे से जुड़ा है। एक इंटरव्यू में फराह ने इस बात का खुलासा खुद किया था कि 1989 में फिल्म कसम वर्दी की शूटिंग के दौरान उन्होंने चंकी पांडे की पिटाई कर दी थी। उन्होंने बताया था कि चंकी हमेशा उन्हें आई एम द मैन कहकर भद्दे इशारे करते थे। फराह ने उन्हें कई बार चेतावनी दी, जब वो नहीं माने तो एक दिन उन्होंने सरेआम सेट पर चंकी पांडे की पिटाई कर दी। चंकी पांडे के अलावा इस गुस्सैल गर्ल का निशाना एक प्रोड्यूसर भी बना। बताया जाता है कि फिल्म डायरेक्टर जेपी दत्ता की पार्टी चल रही थी,
तमाम जाने माने लोग इस पार्टी में मौजूद थे। फराह भी पहुंची थी। इसी दौरान फिल्म मेकर फारूक नाडियाडवाला ने फराह को बियर पीने का ऑफर दिया। इस पर फराह भड़क गईं और उनका झगड़ा हो गया। इसी दौरान उन्होंने प्रोड्यूसर को थप्पड़ जड़ दिया था। उन्नीस सौ नवासी में आई फिल्म रखवाला को लेकर हुए झगड़े में अनिल कपूर तो फराह से पिटते पिटते बचे थे। दरअसल इस फिल्म के लिए डायरेक्टर ने फराह को सिलेक्ट किया था, लेकिन अनिल कपूर डायरेक्टर पर माधुरी दीक्षित को ये रोल देने का दबाव बनाने लगे। फराह को जैसे ही इस बात का पता लगा, उन्होंने अनिल कपूर को धमका दिया। अगर बात करें फराह नाज के अफेयर्स की, तो वो अपनी पहली ही मूवी में यश चोपड़ा के असिस्टेंट राजेश शेट्टी से दिल लगा बैठी थी। उस दौर में उन्होंने काफी वक्त तक अपने रिलेशनशिप को छुपा कर रखा, लेकिन जब राजेश शेट्टी ने बतौर डायरेक्टर 1990 में फिल्म जीने दो बनाई, तो इसमें उन्होंने फराह को कास्ट किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान जिस तरह से ये एक्ट्रेस दिखती, इससे इनके अफेयर के चर्चे होने लगे। यहाँ तक कि बी टाउन में ये भी चर्चे होने लगे कि दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन राजेश शेट्टी अपने करियर में सफल नहीं हो पाए। उन्होंने फराह से किनारा कर लिया। इसके बाद फराह की जिंदगी में बिंदु दारा सिंह आए। दोनों ने 1996 में घर वालों के खिलाफ कोर्ट मैरिज कर ली। 1997 में फराह ने बेटे फतेह रंधावा को जन्म दिया। इस बीच दोनों के पारिवारिक झगड़े सामने आने लगे थे, क्योंकि दारा सिंह चाहते थे कि फराह शादी के बाद फिल्मों से दूर रहें और घर संभालें। परिवार के दबाव में फराह ने काम करना छोड़ दिया। कहा जाता है कि फराह ने कई बार अपने ससुर दारा सिंह को भी खरी घोटी सुना दी थी। झगड़े ज्यादा बढ़े तो फराह अपने बेटे के साथ घर छोड़कर अलग रहने लगी। इस तरह शादी के 6 साल बाद 2002 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के 1 साल बाद फराह ने 2003 में अभिनेता सुमित सहगल से शादी रचा ली। वहीं 2005 में बिंदु ने एक रूसी मॉडल डीनो उमारोवा से शादी कर ली। एक तरफ जहां फराह की निजी जिंदगी में उथल पुथल हुई, वहीं कई गलत फैसले उनके करियर पर भारी पड़े। दूसरा, उनका गुस्सा और गुरूर भी बहुत हद तक तमाम लोगों को उनसे दूर कर चुका था। इसके अलावा राजेश शेट्टी से ब्रेकअप और बिंदु से तलाक के बाद वो नशे की लत में पड़ गईं। उनको काम मिलने बंद होने लगे थे, जिससे वो गम में डूबती जा रही थी। वो दिन में शूटिंग करती थी और रात में वोदका पीकर ही सोती थी। कैसी है मेरी बिटिया? बिल्कुल वैसे जैसे आप छोड़ गए थे। सॉरी पापा, मैं आपको एयरपोर्ट लेने नहीं आ सकी, क्योंकि मैं जरा आपके स्वागत की तैयारी में लगी हुई थी। एक वक्त ऐसा आया कि नई हीरोइंस की इंडस्ट्री में एंट्री और फराह की गलतियों के चलते आप उन्हें मुकाबला, धरती पुत्र और इज्जत की रोटी जैसी फिल्मों में साइड रोल में सिमटना पड़ा। मुकाबला बहुत सफल रही, लेकिन 1993 से 1996 के बीच उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रहीं। हालांकि फिल्म सौतेला भाई की सराहना हुई थी। कुछ फिल्मों में फराह ने आइटम नंबर भी किए थे। बड़े पर्दे पर कम होने के बाद उन्होंने टेलीविजन की ओर रुख किया और अमर प्रेम, अंदाज, आहा, विलायती बाबू और पापा जैसे धारावाहिकों में काम किया। इसके बाद 2004 में उन्होंने एक बार फिर बड़े पर्दे की ओर रुख करते हुए हलचल फिल्म से फिल्मों में वापसी की, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाई। साल 2005 में शिखर उनके करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। फराह ने अपने समय के लगभग सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया, जिनमें राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, संजय दत्त, सनी देओल, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, आमिर खान, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा और आदित्य पंचोली शामिल हैं। बॉलीवुड से दूर होने के बाद वो आमतौर पर पार्टीज और फंक्शन में नजर आती हैं। वो अपने बेटे के करियर पर फोकस कर रही हैं। तो ये थी एक टैलेंटेड हीरोइन फराह नाज की कहानी, जो अपनी गलतियों की वजह से गुमनामी के ऐसे गर्त में पहुंच गई जहां से कभी वापसी मुमकिन नहीं हो सकी। हम उम्मीद करते हैं कि ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब करने की गुजारिश के साथ आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।